छुट्टियां मनाकर लौटते समय सुनसान होटल में ठहरी फैमिली दीवार पर दिखी ऐसी चीज कि घबरा गए सभी। समर वैकेशन होते ही कुछ लोग फैमिली को लेकर ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। इस दौरान वे होटलों में स्टे करते हैं, लेकिन क्या हो जब आप किसी होटल में ठहरें और वहां आपको घर के किसी मेंबर की हूबहू शक्ल वाली कोई तस्वीर दिख जाए। जी हाँ, ब्रिटेन की एक फैमिली के उस वक्त होश फाकता हो गए जब उन्होंने अपने बेटी की शक्ल वाली पेंटिंग होटल की दीवार पर टंगी देखी। जेनी स्टीवेंसन ने बताया कि उनकी फैमिली इसकी ट्रिप से लौटते समय एक एयरबीएनबी में ठहरी थी। उनका परिवार 2 साल पहले ही ब्रिटेन से स्वीडन शिफ्ट हुआ था। यह उनकी पहली इसकी ट्रिप थी, लेकिन वह जिस होटल में ठहरी थी वह भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर सुनसान जगह पर बना हुआ था। जेनी ने बताया कि जब उनकी फैमिली खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी तभी दीवार पर टंगी एक पेंटिंग देखकर सभी दंग रह गए। महिला के अनुसार उनकी बेटी ने पेंटिंग की ओर इशारा करके कहा कि माँ देखिए, दीवार पर भागने की तस्वीर लगी हुई है। यह सुनकर जेनी चौंक गई। इसके बाद जब उन्होंने पेंटिंग को गौर से देखा तो पाया कि वाकई में उसमें जो बच्ची थी उसकी शक्ल हूबहू उनके 7 साल के बेटे बार्नी से मिल रही थी। इस घटना से जेनी और उनकी फैमिली बुरी तरह से हिल गई, क्योंकि इस तरह का इत्तेफाक शायद ही कभी देखने को मिलता है। इसके बाद उनके मन में कई अजीबोगरीब सवाल उठने लगे। जेनी ने बताया कि फ्लावर्स इन द मीडो नाम की ये पेंटिंग स्वीडिश आर्टिस्ट कार्ल लार्सन ने बनाई थी। तस्वीर में एक बच्ची फूल लिए खड़ी है। महिला ने कहा कि अगर उसके लंबे बालों को नज़रअंदाज किया जाए तो वह बिल्कुल बार्नी जैसी दिख रही थी। बार्नी को भले ही यह सब कुछ मज़ेदार लगा, लेकिन कुछ समय के लिए जेनी और उसके पति जरूर घबरा गए। इसके बाद महिला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पेंटिंग और बेटी की तस्वीर शेयर करके लोगों को इस अजीब घटना के बारे में बताया। जेनी ने लिखा कि हम एक सुनसान होटल में ठहरे और वहाँ हमें बच्ची की यह पेंटिंग दिखी जो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह लग रही थी। उन्होंने बताया कि यह देखकर हम इतने घबरा गए कि बता नहीं सकते। उस रात सोते वक्त होटल में अजीब आवाज़ें भी सुनाई दी। हमने दरवाजों को बंद करके किसी तरह रात गुजारी और अब हम सही सलामत घर में हैं। टीम NS Now